लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, शायद भाजपा शासित भोपाल को संदेश देने के लिए जयपुर का नाम लिया है प्रधानमंत्री जी ने। पीएम मोदी ने आक्षेप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई, परंतु कई राज्यों ने वैट कम नहीं किए, जिससे जनता को लाभ नहीं मिला। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जयपुर का नाम तो लिया, परंतु वो संदेश भाजपा शासित राज्यों को ही देना चाह रहे थे। तो वही अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया है, जरा सुनो। मैं एक और उदाहरण देता हूं। अब नवंबर में जो करना था नहीं किया, इसलिए पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपए के पास है, जयपुर में 118 से भी ज्यादा है, हैदराबाद में 119 से ज्यादा है, कोलकाता में 115 से ज्यादा है, मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है, मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया, अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है, देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए, ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है आज। मैं अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए प्रधानमंत्री की ओर से तमाम अहम बातें कही गई, उसके बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि प्रधानमंत्री बीजेपी शासित राज्यों को ही मैसेज देना चाहते थे और साथ ही उन्होंने भूलवश भोपाल को जयपुर बोल दिया। आयुषी, आज जो बैठक थी वो कोविड को लेकर थी, लेकिन बात जब पेट्रोल डीजल पे चली तो प्रधानमंत्री ने जयपुर का जिक्र किया और जयपुर में पेट्रोल डीजल की कीमत क्या है ये भी देश को, जनता को बताया और ये तुलना की कि अन्य जो राज्य है उनकी बजाय यहाँ महंगा पेट्रोल है। तो ये बात है, इसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया है और एक तरह से ये कहें कि प्रधानमंत्री पे कटाक्ष भी किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो बयान जारी किया उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री साहब जयपुर का नाम गलती से ले गए और भोपाल का नाम ले रहे थे जो भाजपा शासित राज्य में आता है और वहां पे जो पेट्रोल है वो जयपुर से भी ज्यादा महंगा है। और जहां तक प्रधानमंत्री ने कहा था कि केंद्र ने जब पिछले साल नवम्बर में राहत दी थी टैक्स कम करके, तो कई राज्य थे जिन्होंने राहत नहीं दी, तो इसका जवाब भी मुख्यमंत्री की तरफ से आया है और उन्होंने कहा कि जब जनवरी 2021 में राजस्थान ने 2% वेट गेन किया था तब केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी में कमी नहीं की थी, बल्कि उस समय तो केंद्र ने जो बजट पेश किया था उसमें भी टैक्स लगा दिया था डीजल पे 4 रुपये, पेट्रोल पे 2.5 रुपये। और इसके साथ ही जब नवम्बर 2021 में केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर कीमत कम की थी तब राजस्थान सरकार ने जो पेट्रोल पे 10 रुपये और डीजल पे 13 रुपये है वो कम किए थे। लेकिन साथ में ये भी कहा कि इससे न केवल राजस्थान को प्रति वर्ष जो है वो 6300 करोड़ रुपए की हानि हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो प्रधानमंत्री ने नाम लिया तब उनको कर्नाटक और गुजरात की हानि का नाम लेना तो याद आ गया, लेकिन राजस्थान का जिक्र नहीं किया। तो इससे भी उन्होंने कह सकते हैं कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद वहां पे जो कर्नाटक और गुजरात में चुनाव आ रहे हैं विधानसभा चुनाव, ऐसे में प्रधानमंत्री ने नाम दिया होगा। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज पेट्रोल डीजल का जो मुद्दा कोविड की मीटिंग में छाया रहा और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से राजस्थान का जिक्र किया, जयपुर में महंगे दरों का जिक्र किया, तो उसका जवाब मुख्यमंत्री ने दिया है, पलटवार किया है, मुख्यमंत्री को नागवार गुजरा है जयपुर का नाम देना, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने जनवरी 2021 में भी पैसे कम किए थे, उसके बाद जब केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में पैसे कम किए
तब भी राहत मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।